अबे मर गया क्या? अरे कहाँ चला गया? 7-8 दिन से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा है? अबे कहाँ चला गया? मरवर गया क्या? अरे अरे जिंदा हूँ यार, ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? लूड़ा लंगड़ा मरवर गया, जिंदा हूँ। लो आ गई ये वीडियो। चलो बिना किसी देरी के पिलम पिले का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। देखो लोंडो, वेट 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 करते करते मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन ये चूतिए हैं जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मुझे लगा था इन चौदह भक्त क्रिएटर को थोड़ा टाइम देके देख लेते, ये सुधर जाएंगे। लेकिन नहीं, ये बेटियां हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अब देखो, तुम में से जो भी फ्री फायर की रेटिंग के नाम पे और अपनी पिकाचू ऑडियंस को मैनिपुलेट कर गए, लाइक सब्सक्राइब बटोर रहे ना, देखो रुक जाओ। अभी मौका है, नहीं तो बहुत कुत्ते के दर पे ले जाओगे। ये वीडियो मैंने बहुत पहले बना ली थी, लेकिन इस वीडियो को मैं आज इसलिए अपलोड कर रहा हूं, मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं 7-8 दिन तक चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। फिर रामकथा मैं तुम लोगों को किसी और दिन सुनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो का मेन टॉपिक है इनसे चमन चूतों को पेलना। और हाँ, जरूरी सूचना, दिस वीडियो इज डोंट मेक फॉर पिकाचू। वैसे जो भी पिकाचू ने इस वीडियो को अभी देख कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग अपने अब्बा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। और हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम इस वीडियो को घर में बैठ के देखो या फिर खुले सांड की तरह घूम के देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो पेलम पेली का कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करूं। गाइस सब खत्म हो गया यार, मैंने फ्री फायर के खिलाफ एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें करेना ने मुझे स्ट्राइक मार दिया यार। अब मैं तुम लोगों को चूतिया कैसे बनूंगा? अब मैं तुम लोगों को मैनिपुलेट कैसे करूंगा यार? अब मैं बैकग्राउंड में सेट म्यूजिक लगा के वीडियो अपलोड कैसे करूंगा यार? अब मैं क्या करूं? मैं अंदर से पूरा टूट चुका हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाइस, मुझे अभी तुम लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने मामा मामी चाचा चाची दादा दादी सबके चैनल का लिंक दे रखा है। जाओ जल्दी से जाकर के उन्हें सब्सक्राइब कर लो यार, मैं तुम लोगों को वहां मैनिपुलेट करूंगा, तो जाओ जल्दी से वहां पर सब्सक्राइब करो। फ्री फायर कम्युनिटी में इतने चप्पल चोर, भीख मंगे, लीचड़ और घटिया यूट्यूबर एग्जिस्ट करते हैं ना, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। हर साल इतने बड़े चोरी के चंद व्यूज और चंद पैसे के लिए अपने भोली भाली पिकाचू ऑडियंस को इमोशंस के साथ खेलते हैं। अब देखो, ये चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी, ये मैं तुम लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं। अब देखो, पिछले मैं कई दिनों से देखता रहा हूँ कि ऑडियंस के बीच में फ्री फायर की रेटिंग गिरवाने का अलग ही भूत चढ़ा हुआ है। अब ये भूत चढ़ाने का काम है दो इन चूचे यूट्यूबर का, एक का नाम है भड़वाइफ है, वो दूसरे का नाम है प्रभात भाई। अबे काय का भाई, साले का पूरा चैनल ही सैमसंग पारा के नाम पर चल रहा है और ये चूचे फ्री फायर की रेटिंग गिरवाएंगे। Emotional damage. अब तुम्हें कैसे पता कि तुम फ्री फायर की रेटिंग गिरवाओगे और पुराना फ्री फायर वापस आ जाएगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये खाली चंद व्यूज और चंद पैसे के लिए तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। अरे इतने दल बदलू आदमी, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। दूसरे सनी लियोनी दिखेगी और पास से जाके देखोगे ना तो राहुल गांधी निकलेगा, एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वो वाला सीन है। आप क्या औकात बता रहे हो सर, बुरा नहीं मानना सर। देखो बात यहाँ से शुरू होती है, भड़वाइफ अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है जिसके अंदर ये बोलता है कि तुम लोग फ्री फायर की रेटिंग गिरवाओगे तो हो सकता है तुम लोगों का पुराना वाला फ्री फायर वापस आ जाए। लेकिन देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और इसका साथ ही सैमसंग पारा भी देता है। पागल है क्या भोसड़ी के? बस ये सुनते भाई ऑडियंस को अंधाधुन सपोर्ट करने लग गई और इस वीडियो पे उसको अच्छा खासा व्यूज में मिल रहे थे। उसने सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन से 4-5 वीडियो छापी है, उस पे दबा के इसको व्यूज और पैसा भी मिल रहा है और उस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज चले गए। तो उसके बाद इस बंदे को उस वीडियो पे स्ट्राइक भी पड़ गई थी, जिसके बाद ये वाली वीडियो बनाता है जिसके अंदर ये भरपूर रन डाउन करता है और उसके बाद बोलता है कि अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब तुम लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है ना कि तुम लोगों को इसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये पुराना फ्री फायर लेके आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भोसड़ी का साला 4-5 दिन से एक ही पोस्ट को डालता है, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। मुझे लगा भाई भड़वा बहुत तगड़ी गुड न्यूज लेके आएगा, लगता है पुराना फ्री फायर वापस लेके आ गया। लेकिन उस वीडियो में इतना चूतिया होता ना, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। लेकिन इस बंदे की एक स्ट्राइक पड़ने से इसकी कान फट गई, मतलब कि पहले गोल्डन डेज कर रहा था और उस वीडियो में बोलता है कि अब गोल्डन डेज नहीं चाहिए। देखो तुम्हें पता होगा कि अपडेट के बाद ये कैरेक्टर किम के अंदर आने वाला था और ये चूतिया ये बोलता है कि घरेना की मेरे पर्सनल मीटिंग हुई है, मतलब कि समझ रहे हो, एकदम पर्सनल मीटिंग हुई है। एक काम कर, मेरे घर पे आजा सांडे का तेल लेके, तेरी ऐसी पर्सनल मीटिंग करूंगा ना गोल्डन डेज का भूत उतर जाएगा तेरे माथे से। पर्सनल मीटिंग में हमने घरेना से बात करी और घरेना ने उस कैरेक्टर की एबिलिटी को चेंज कर दिया, तो इसी बात पे अब तुम लोग फ्री फायर की वापस रेटिंग बढ़वाओ। किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। मतलब कि ये क्या लॉजिक हुआ बे? भोसड़ी को तुम तो पुराना वाला फ्री फायर वापस लाना चाहते थे ना, मतलब ये की स्ट्राइक क्या पड़ी तुम लोग वापस घरेना की चाटने लग गए। तेरी माँ की चुतसाड़। नहीं काया बेटे, फ्री फायर के वीबे यूट्यूबर और फ्री फायर के चुमन चूते क्रिएटर तुम लोगों की वजह से ही फ्री फायर की कम्युनिटी बदनाम है। चूतिया हम किसे मान ले कि तेरी घरेना के साथ पर्सनल मीटिंग हुई, हमें कुछ सबूत तो दे। चूतिया को भी पता है कि पुराना वाला फ्री फायर वापस नहीं आने वाला, इसको खाली थोड़े बहुत लाइक सब्सक्राइब चाहिए थे, इसलिए वो तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था। इसलिए तो भाई भिंडी रोना कर रहा है कि अपने गेम की रेटिंग बढ़ा दो, दूसरे गेम चल जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। हट बेंचोत, आरामी मानुस दो दिन में पलट गया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। देखो उससे दो चीज हुई, एक तो उसका चैनल करोगे और दूसरा भाई तुम लोगों की तरफ से उसको घान फाड़ सपोर्ट मिल गया। चूतिया बनाया तुम। हाँ भाई छोटे नूनू, क्या दिक्कत आ रही है? तू क्यों बीच में अपनी घान मरवा रहा है? पिछले वीडियो में पहला था ना, भूल गया क्या?
इमोशनल डैमेज। इस बंदे ने अपने पिकाचू को मैनिपुलेट करने में ना पीएचडी कर रखी है, मतलब ये अलग ही चूतिया वाला बंदा है। ये क्या बोलता क्या नहीं बोलता इसको खुद को पता नहीं चलता, लेकिन बस बैकग्राउंड में सेड म्यूजिक लगा के भिंडी रोना करना। जब बड़वा एफए फ्री फायर की रेटिंग गिरवा रहा था ना, जब उसको भरपूर व्यूज मिल रहे थे इसकी गाड़ में चलो, इसने सोचा भाई मैं भी वीडियो बनाऊंगा। इसने भी एक वीडियो छाप दी जिसके अंदर बोल रहा है भाई फ्री फायर की रेटिंग गिरवाओ। चलो यहां तक भी ठीक है। फिर 3-4 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करता है जिसके अंदर क्लिकबेट भी करना शुरू कर दिया। थंबनेल के ऊपर देखो क्या लिख रहा है, घरेना गेम में स्ट्राइक, और वीडियो के अंदर अलग ही लेवल वाले बकचोदी कर रहा है। तुम अपना ज्ञान बांट रहे, अच्छा वन को स्ट्राइक पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, चूतिया नहीं पता चलता ना तो मत बोला क्या। बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, तू भी भाई पिकाचू के अंदर ही आता है। क्या सब्सक्राइबर के नंबर क्या बढ़ गए ना, अपने आपको स्काईलॉर्ड से कंपेयर मत करा कर। उस वीडियो में बंदा बोलता है कि दूसरे यूट्यूबर तुम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे, और साला इतना बड़ा वाला चूतिया कि उसी वीडियो के एंड में साले ने खुद ने भी अपने सेकंड चैनल का प्रमोशन कर दिया। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पिता छोड़ दे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। देखो बात करते हैं फ्री फायर के गोल्डन डेज के बारे में। जिन भी यूट्यूबर को फ्री फायर के गोल्डन डेज चाहिए ना, जिसपे भिंडी रोना कर करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बता रहा हूँ इनमें से एक को भी गोल्डन डेज ढंग से लिखना नहीं आता, और इनको गोल्डन डेज चाहिए। साले को मतलब तक नहीं पता होगा गोल्डन डेज का। सुधर जाओ रे, सुधर जाओ। भोसड़ी को चंद पैसों और चंद व्यूज के लिए कितना चूतिया बनाओगे अपने ऑडियंस का। अब देखो फ्री फायर की रेटिंग बढ़ाने की या फिर गिराने की कोई जरूरत नहीं, जितनी उसकी रेटिंग है ना उतनी ही रहने दो, नहीं तो भाई जो फ्री फायर अभी खेल रहे हो ना उससे भी हाथ धो के बैठोगे। सही बता रहा हूं। क्या चाहिए तुम लोगों को गोल्डन डेज चाहिए ना, चलो मैं तुम लोगों से वादा करता हूं गोल्डन डेज क्या तुम लोगों के सिल्वर डेज में आएंगे, लेकिन तुम लोग ये चीजें करना चाहो। देखो रही बात गेम को फेयर बनाने की ना, तो गेम के अंदर 1 रुपए का भी टॉपअप मत करो ना, यहाँ पर छपरी यूट्यूबर गेम के अंदर टॉपअप करेंगे ना ही तुम लोग गेम के अंदर टॉपअप करोगे। जिस दिन से तुम गेम के अंदर टॉपअप करना बंद कर दोगे ना, सही बता रहा हूं, अगले दिन से तुम लोगों को गेम फेयर मिल जाएगा। एक तरफ तुम गेम की रेटिंग गिरा रहे हो, दूसरी तरफ तुम गेम के अंदर करके टॉप अप कर रहे हो, तो भाई उससे फायदा क्या हो रहा है। चाहे प्ले स्टोर पर फ्री फायर की रेटिंग कम रहे, लेकिन भाई गेम के अंदर टॉप अप तो हो रहा है ना, जिससे फ्री फायर की इनकम भी हो रही है, और वो अच्छा खासा इंडिया से पैसा कमा रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूं भाई गेम के अंदर टॉप अप करना बंद कर दो, अगले दिन से फ्री फायर खुद तुम्हारे पास चल के आएगा और भाई वो गेम ऑटोमेटिकली फेयर बन जाएगा। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। अब देखो चाहे तुम मुझे इस वीडियो पे स्ट्राइक मारो, रिपोर्ट मारो, या फिर लीगल एक्शन लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे खिलाफ जो भी वीडियो बनाता ना उसको तुम स्ट्राइक, लीगल एक्शन और रिपोर्ट की धमकी देते रहते हो। अब देखो मुझे नहीं पता तुम इस वीडियो के इंस्टा पे स्टोरी डालो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालो, लेकिन वीडियो शेयर जरूर जानी चाहिए। और हां अगर यहां तक वीडियो देख लिया ना तो वीडियो को लाइक करो यार, वो सब्सक्राइब वाला बटन ना उसको दबा दो, बिल्कुल फ्री होता है यार, दबा दो एक बार के लिए, सब्सक्राइब तो कर दो, बाद में अगर वीडियो पसंद ना आए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक बार के लिए सब्सक्राइब तो कर दो। देखो अगर मैं चाहता ना तो इस वीडियो को 3-4 पार्ट बना के डाल सकता था, लेकिन वही बात है ना, मुझे तुम लोगों को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देनी। अब देखो वीडियो पसंद नहीं होना तो कमेंट जरूर कर देना, और तुमको आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं इंस्टा का लिंक तो मिल ही जाएगा, तो जाओ जल्दी से जाकर के वहाँ भी फॉलो कर लो। देखो जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती ना तुम लोग इसी वीडियो को देख के मजे लो, चला मजदूरी करने, माँ बाप की गाली भी तो सुननी है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई मैं चलता हूँ, ओके ओके बाय, ओके बाय। इन सबको मारने के लिए एक हर्षित पैदा किया, लेकिन इस हर्षित को मारने के लिए एक और हर्षित पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। One and only peace.